अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के सामने हम लेकर आए नया नाज़माबाद का प्रोजेक्ट, जो कि आपके सामने खूबसूरत सी ये सोसाइटी का मेन एंट्रेंस गेट मौजूद है। आपने अक्सर इस सोसाइटी के बारे में नाम तो सुना होगा और बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को नया नाज़माबाद की तफसील से इंफॉर्मेशन कि कितने ब्लॉक्स मौजूद हैं, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है, कहाँ कहाँ विलाज हैं, कहाँ पर बुकिंग में अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, एक एक चीज़ तफसील से आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग नया नाज़माबाद को बहुत अच्छे तरीके से जान सकें कि ये कैसी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके कराची शहर के अंदर आप बहुत सारा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और अपनी रिहाइश भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए कैसे बेहतर साबित होगी, इस जगह पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसको विज़िट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नया नाज़माबाद की डिटेल में आपके साथ, ताकि आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लॉट्स कितने साइज़ के मौजूद हैं। नया नाज़माबाद के अंदर जो ब्लॉक्स मौजूद हैं वो ब्लॉक्स हैं ए बी सी डी के एल एम एन और पी, ये सारे ब्लॉक्स मौजूद हैं जो कि टोटल एरिया है, और इसमें बहुत बड़ा एरिया है जो कि बिल्कुल बीच का है, वो अभी इस टाइम आर्मी के पास मौजूद है, जो कि अभी तक वो उनको शायद लीज़ किया हुआ है। कुछ टाइम बाद जब उनकी लीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर बहुत सारे मज़ीद सेक्टर्स जो हैं वो नया नाज़माबाद के अंदर लॉन्च होंगे। तो नया नाज़माबाद के जो सेक्टर्स हैं उन सब के अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो 120 गज़ के, 160 गज़ के, 240 गज़ के और 400 गज़ के टोटल प्लॉट्स मौजूद हैं। इसी ब्लॉक्स के अंदर एक डेवलप्ड एरिया है और एक नॉन डेवलप्ड एरिया है। डेवलप्ड एरिया की हम बात करें तो अभी इस टाइम जो कंप्लीट जहां पर बेतहाशा घर हैं, जो अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये सारे विलास बने हुए हैं, ये ब्लॉक ए का एरिया है जहां पर कंप्लीट उन्होंने प्लॉट्स दिए हुए थे। ये साल दो साल के अंदर मैसिव यहां पर डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट होने के बाद ये सारे घर आपके सामने बन चुके हैं। तो ब्लॉक ए बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर ही मौजूद है। उसके बाद ब्लॉक सी है, ब्लॉक सी के अंदर भी बेतहाशा डेवलपमेंट हुई हुई है, और इसी तरीके से ब्लॉक डी जो है वहाँ पर भी इतनी ही मैसिव डेवलपमेंट है। इन सारे प्लॉट्स पे मैंने आपको साइजेस बता दिए हैं, यहाँ सारे प्लॉट्स मौजूद हैं। इन सब में जो लोगों ने विलास बनाए हुए हैं, इन विलास की जो प्रॉपर लेआउट प्लान है वो एक स्टैंडर्डाइज रखा गया है, सिर्फ उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए आप बना सकते हैं। अंदर आपको जो डेवलपमेंट करनी है वो आप डेवलपमेंट कीजिए, अदरवाइज़ जो फ्रंट एलिवेशन है, बैक साइड है, वो सब की सब नया नाज़माबाद की मैनेजमेंट की तरफ से जो दी गई है सिर्फ उसी को फॉलो किया जाएगा, जिससे आपका एक पूरा, आप देखिए कितना खूबसूरत सा एक प्लान नज़र आ रहा है, सब एक जैसे घर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इसी के बाद हम बात करें नॉन डेवलप्ड एरिया बहुत सारे मौजूद हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पर आपके के एल एम एन पी ये सारे सेक्टर्स जो हैं ये अभी फ़िलहाल अंडर डेवलपमेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अगर काम हो रहा है तो सेक्टर एम में हो रहा है। बाकी जो सेक्टर्स हैं उन सब में काम बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली काम हो रहा है, जिसमें ज़्यादातर लोग अभी इस टाइम फाइल परचेज करके ट्रेड करते हैं। हम रेट के बारे में आपसे बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी आपको पहले ओवरव्यू दे दिया जाए ताकि कौन कौन से प्लॉट्स हैं, क्या क्या साइजेस हैं। ये डेवलप्ड हो गया, नॉन डेवलप्ड हो गया। अब हम विलास के ऊपर आएँ तो विलास नया नाज़माबाद के अंदर टोटल जो कैटेगरी है वो 120 गज़ के, 160 गज़ के और 140 गज़ के विलाज यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके अंदर सिंगल स्टोरी, वन यूनिट, डबल स्टोरी, इस तरह करके उन्होंने उसको कैटेगराइज़ किया हुआ है। थ्री बेडरूम भी है, फोर बेडरूम भी है, तो ये सारे विलाज के ऑप्शंस रेडी हैं, कंप्लीट है, यहाँ पर प्रॉपर रिहाइश है। साथ ही साथ अब हम बात करें तो इन सब चीज़ों के लिए एमिनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो नया नाज़माबाद ने, क्योंकि रिहाइश इतनी स्पीड के साथ आ गई, तो नया नाज़माबाद ने अपनी एमिनिटी पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर मौजूद है, मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मस्जिद है वो भी यहाँ पर नमाज सारी चीज़ें होती हैं, सेक्टर सी है शायद वहाँ पर भी मस्जिद बनी हुई है बहुत खूबसूरत सी, इसी तरह आपके क्रिकेट ग्राउंड बने हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, हॉकी की जगह अलग दी हुई है, बास्केटबॉल खेलने की अलग जगह दी हुई है, पार्क्स बड़े बड़े दिए हुए हैं, इस तरह की आप जो सीवरेज का निज़ाम है जो कि सबसे ज़्यादा एक वहाँ पर एक इशू आया था जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा रेस किया था, वो तो एक मैसिव पूरे कराची के अंदर पूरा कराची डूब गया था, तो जाहिर है वो भी एक लिमिट तक चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकता था सराउंडिंग से। जैसे मैंने आपको बताया ये राउंड शेप में बना हुआ है, सराउंडिंग में सारी कच्ची आबादी है, तो कच्ची आबादी का जो जितना उन्होंने था सब का सब फ्लो उन्होंने नया नाज़ाबाद के एक ब्लॉक में फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस चीज़ को अब ठीक कर लिया, करेक्ट कर लिया, तभी इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ आबादी आई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो रेट में इजाफ़ा हुआ वो मेन चीज़ थी आपका एक्सेस जो कि मेन रोड के साथ होना चाहिए था, क्योंकि बीच में कच्ची आबादी से लोगों को होके जाना पड़ता था, कच्चे रोड थे, तो उन्होंने मैसिव सिर्फ 2 साल या मेरे ख्याल से 1.5 साल के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है पूरे ब्रिज की कि पूरा ब्रिज जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मोस्ट प्रॉब्ली इस साल के एंड में या अगले साल की स्टार्टिंग में ये ब्रिज कम्प्लीट हो जाएगा, जो कि आप नया नाज़ाबाद के गेट पे आके उतरेंगे, तो गेट से आप चढ़ेंगे डायरेक्टली मेन रोड उस तरफ आप जाके वहाँ पर उतरेंगे। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी सोसाइटी है, इस जगह को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। मैंने ये बहुत डिटेल में वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को सब कुछ पता हो जाए। अब आपकी राय होनी चाहिए कि अब आपको प्लॉट लेकर इन्वेस्टमेंट करके घर बनाना है या आपको डायरेक्टली लेकर आपको वहाँ पर रिहाइश करनी है। रेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा मैसिव काम होता है कि आप प्लॉट परचेज करके आप वहाँ पर डेवलपमेंट करें, कंस्ट्रक्शन करें और उसको लोगों को मार्केट में बेच दें, इतनी मैसिव वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में हर ब्लॉक्स के बारे में इंडिविजुअल बात करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये सोसाइटी आप लोगों के लिए कैसे बेहतर है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और नया नाज़ाबाद की कोई भी अपडेट जानने के लिए हमसे राब्ता कीजिए। खुदा हाफिज़।